अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है रमज़ान का तीसरा रोज़ा, तो मेरी तरफ से आप सबको तीसरा रोज़ा मुबारक, तीसरी सहरी मुबारक। और आज मैं बना रही हूँ एक न्यू रेसिपी, आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम। तो इसका पैकेट तो मैंने ले ली हूँ, लेकिन मैं आइसक्रीम जल्दी घर में बनाती नहीं हूँ। लेकिन अभी देखते हैं, आज कुछ न्यू ट्राई करने के हिसाब से बनाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरी एक और रहेगी चिकन में नगेट्स और क्रिस्पी चिकन पॉप्स, वो भी बनाऊंगी मैं पॉपकॉर्न चिकन। तो देखते हैं, तो फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ले ली हूँ। ये मैंने ली हूँ आइसक्रीम पिस्ता, आइसक्रीम मिक्स पिस्ता। ये मैंने वही बॉनबॉन चॉकलेट के शॉप से ली थी। तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कैसे हमको बनाना है, उसको ही फॉलो करते हुए मैं बनाऊँगी। और ये रहा अमूल दूध और ये रहा टिन। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी जैसे मैं आगे। फ्रेंड्स, मैंने आधा से पौना किलो, एक किलो ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो के इसको क्यूब्स में, बारीक क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। और इसको ये छन्नी में थोड़ी देर के लिए ड्रेन करने रख दी थी, एकदम ये सूखे सूखे हो जाते, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अभी मैं इसको पीसूँगी, तो पहले मैं इसको आधा कर लूँगी और फिर इसको भी, क्योंकि मैं ये स्पाइसी चिकन पॉप्स भी बना रही हूँ और चिकन नगेट्स भी बना रही हूँ। मैं इसको भी अलग कर दूंगी और इसको भी अलग कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी ये चिकन के अंदर ये जाएंगे ब्रेड के स्लाइसेस। और ये मैंने ली हूँ एक से दो चम्मच पेपरिका पाउडर, ये रेड चिल्ली पाउडर, ये नमक, ये तंदूरी मसाला, एक नींबू, ये वाइट पेपर पाउडर है, दखनी मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची भी है तो वो भी आप ले सकते हो। और ये है दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने अभी फ्रेश ब्रेड लाके फ्रेश ब्रेड क्रम्स कर दी हूँ। और ये ब्रेड भी फ्रेश है, आपके पास पाव है तो आप पाव भी डाल सकते हो। और ये अंडे में थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ, इसका डिपिंग भी आएगी इसके अंदर। और फिर ब्रेड क्रम्स है, फिर हम मिक्सी में डाल देंगे, हैंड ब्लेंडर में डाल के तो मिक्सी में चिकन ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने ये ब्रेड की स्लाइसेस है, ये मैंने चार ब्रेड ली थी, फ्रेश ब्रेड की स्लाइसेस है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये पेपरिका पाउडर, ये नमक और ये रेड चिली पाउडर दोनों साथ में मिक्स कर देंगे। और ये वाइट पेपर पाउडर और ये तंदूरी मसाला, इसे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, मैंने रोटी इसमें डाल के देखी हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हो, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये डाल रही हूँ। और नींबू का जूस। ये जो चिकन का खीमा है एकदम बारीक मैंने अच्छे से कर दी हूँ, देख सकते हो आप, सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं रह गया। ये जो आज मैं नगेट्स बना रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश में, क्योंकि अभी हम लोग तीन चार दिन पहले जब भी वुमेंस डे था तो मैं और माहिरा गए थे, मेरी बेटी, यहाँ पर मॉल में, आर सिटी मॉल में। अभी मैं इसको इस पर डाल दूँगी, इसको फ्लैट करना है अपने को। ये मैंने बटर पेपर ले ली हूँ नीचे, इसके ऊपर मैं इसको फ्लैट कर दूँगी धीरे धीरे शेप देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोले कि नगेट्स लेके आना वहाँ से, चिकन नगेट्स KFC से। तो मैंने पूछी तो सिर्फ चार नगेट्स का 9900 रुपीज़ बोला, और मैकडोनल्ड्स में भी पूछे तो उसने भी वही बोला। तो फिर मैंने बोली उससे अच्छा हम लोग घर में ही काफ़ी सारे बन जाएंगे और अच्छे टेस्टी और क्वान्टिटी भी ज़्यादा होगी। तो मैंने बोली चलो ठीक है, बच्चे लोग को भी पसंद आता है और हस्बैंड ने बोले हैं, तो उनकी फरमाइश पे बोली बना देते हैं आज चिकन नगेट्स, घर में सब अच्छे से खाएगा और इफ्तार का माहौल है तो और अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं इसको शेप देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, सेट करने की। थोड़ा देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए अप्रॉक्स फ्रिज में रख दी हूँ उसको, वो थोड़ा और सेट हो जाएगा तो उसके पीसेस अच्छे आएंगे। बाय द टाइम मैं ये चिकन जो मैंने ली हूँ, जिसका मैंने आपको बोली मैं CFC स्पाइसी चिकन,
फ्रेंड्स, मैंने ये जो पाव किलो चिकन मैंने जो आपको बताई थी, जो सेकंड रेसिपी है मेरी, उसके लिए CFC चिकन पॉप्स, तो उसके लिए चिकन ले ली हूँ। इसमें जाएगा दही 1 से 2 चम्मच, बड़े चम्मच है ये, बिना पानी वाला दही लेना है। हम कट जो रेसिपी पे पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड इंग्रेडिएंट, वही मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैसे ही हमको करना है, फॉलो करना है उसके इंस्ट्रक्शंस। और ये रहा टमाटर केचप 1 टेबल स्पून, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये रेड चिल्ली फ्लेक्स है, इसकी जगह पे आप ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो पीस कर, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने बोली कि मैं यही ऐड कर देती हूँ, ग्रीन चिल्ली ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी स्पाइसी चिकन है तो कोई खाएगा नहीं फिर। और ये इसके अंदर मसाला आया है पाउडर, तो यही मसाले को इसके साथ में हम लोग को ऐड करना है, और जब हम फ्राई करेंगे तो उसके ही पॉप्स के उसी के अंदर दूसरा मसाला है, उसके साथ में हमको उसको कोटिंग करके फ्राई करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और इसको मैरिनेट करके मुझे 2 से 3, 3 से 4 घंटा लिखा हुआ है, बट देखती हूँ एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा ही मिलेगा, तो मैरिनेट कर देते हैं। हो सकता है इस मसाले में नमक ऐड हो, उसके मैंने थोड़ा सा ही यूज़ करें, इसमें ऐड कर दूँगी, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और ये रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी, और ये रहा टोमेटो केचप, इसको भी ऐड कर दूँगी अच्छे से, देखते कैसे बनते हैं, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और इसमें दही भी ऐड कर दूँगी, और ये जो मसाला है, तो ये मसाला है कुछ बहुत अच्छी आ रही है, तो ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे, मसाला काफ़ी पड़ेगा है, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी और मैरिनेशन कर दूँगी, थोड़ा और देर पहले से करना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा, फिर रखेंगे तो सही हो जाएगा। ये सब बोनलेस चिकन का ही काम रहता है, सेट हो गया है, फ्रिज में रखेंगे, किसी में से सुनता नहीं, और थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो गया है, मैं इसे पीसेस कर दूँगी स्क्वायर शेप में, इस तरफ से माशाल्लाह अच्छे बना रहे हैं, आई होप टेस्ट में भी उतने ही अच्छे हो जितने ये दिख रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास पीस रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसको अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करके और थोड़ी देर रखूँगी। मैं रेडी कर दी हूँ ये अंडा कप, वो प्यूरी अंडे को फेंट के ले ली दूध डाल के, और ये रहा ब्रेड क्रम्स, और मैं ऑयल थोड़ा सा हाथ में अप्लाई कर दूँगी ताकि चिपके ना। तो अभी मैं एक पीस निकालती हूँ, देखिए तो ये इतना इतना पीस निकल चुका है, तो इसको मैं अच्छे से शेप दे दूँगी, थोड़े स्मॉल पीस है पर ठीक है चल जाएगा, तो अच्छे से ये शेप आ गया है, इसको मैं इसमें कोट कर लूँगी, अंडे में कोट कर लूँगी इसको, और इसको ब्रेड क्रम्स में भी अच्छे से कोट कर देंगे, इसको भी मैं थोड़ा देर फ्रिज में रखूँगी, तो एक रेडी करके मैंने रखती हूँ, और एक मैं बड़ा पीस निकालती हूँ, बीच में से थोड़ा ये लग गया है नीचे, बड़ा पीस निकाली हूँ मैंने, वो बटर पेपर को थोड़ा चिपक रहा है ये, और बड़ा पीस निकाल के इसको इसके अंदर डिप कर देंगे, ये देखिए, और इसमें रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे, दूसरा भी रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे चिकन के नगेट्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे खासे रेडी हो गए, मुझे लगा था कम बनेंगे बट प्लेट में रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो देखते हैं जितने में फ्राई करके खा लेंगे हम लोग इफ्तार में, और अगर बच गए तो मैं इसको स्टोर भी कर सकती हूँ, तो मैं स्टोर करके हम लोग इसको कल भी वापस फ्राई करके खा सकते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जब तक मैं इसको तलने के लिए नहीं लूँगी तब तक, या तो फिर 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, एकदम भी कड़क ना हो जाए तो इसके लिए मैं डीप फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो इसकी कोटिंग निकल रही है ना, वो इसको एकदम से अच्छे से ब्रेड क्रम्स इस चिकन को अच्छे से कोट हो जाए।
इसको भी फ्रिज में से निकाल के रखी थी 10 मिनट पहले, तो मैं वहाँ से लगा रही थी, तो मैंने कढ़ाई रखी था, इसको भी गैस ऑन करके अभी मेरे बर्तन जो इतने सारे हैं वो भी धोने, साथ में रेसिपी भी बनानी है और बर्तन भी घसने हैं। सबसे बड़ा काम और सबसे मेहनत वाला बोरिंग काम ये बर्तन होते थे। फ्रेंड्स कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं भी इसमें थोड़ा सा जो कल ऑयल था वो मिक्स करूँगी, रेस नहीं करेंगे ऑयल को, और अभी कभी फ्रेश भी डाल देंगे थोड़ा सा, अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी, इसमें फ्राई हो गए हैं। देखिए हमारे चिकन नगेट्स विद सेजवान चटनी और ऊपर से डाली गई है मायोनीज रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा बना के। फ्रेंड्स माशाल्लाह से मेरे सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं, इसमें से मैं अपनी भाभी के वहाँ पे भी दूंगी, कल भी मैंने समोसे भी दी थी इफ्तार के लिए, तो अभी मैं दूसरी रेसिपी बना रही हूँ, नगेट्स पैक कर रही हूँ देने के लिए। फ्रेंड्स इफ्तारी आप लोग भी आजू बाजू में ज़रूर दिया करें अपने रिलेटिव्स में, बहुत सवाब मिलता है, वो लोग भी हम लोग को देते हैं। फ्रेंड्स कुछ भी अच्छा बनाया गया तो एक दूसरे से हम लोग बहुत पहले से ही शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी भी मेरी बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी इफ्तार खाना सब एवरी थिंग शी कुक। पिस्ता आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट डालने के लिए टाइम नहीं है।